हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अमेजिंग सा पैरासा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉइंग दिस ऑनलाइन लेक्चर। सो गाइस, टुडेज अवर टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सो इसके लिए एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। इस फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक पानी है, उसका कंटेंट है, उसको मैं 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर रहा हूँ, राइट? फिर मैं उस पानी को सराउंडिंग में लेके आता हूँ, तो सराउंडिंग में वो धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट करेगा। तो सपोज के उसका पहले का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 टू 80 डिग्री सेल्सियस होने के लिए मैं स्टॉपवॉच स्टार्ट करके इसका टाइम नोट कर रहा हूँ। 100 टू 80 जो ठंडा हो रहा है, तो उसने टाइम लिया इस फॉर एग्जांपल 30 सेकेंड, राइट? सो 100 टू 80 के लिए 30 सेकेंड, ओके। अब 80 पे पहुंचा, 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस पे जब कभी भी ये ठंडा हो रहा है, फिर से मैंने 80 पे स्टॉपवॉच रीसेट करके फिर से स्टार्ट कर दी। तो 80 टू अब 60 पे पहुंचने के लिए वो टाइम ले रहा है 45 सेकेंड। अब देखिए, दोनों में ही टेम्परेचर का सेम ही डिफरेंस है। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर भी 20 है, बट टाइम दोनों में अलग अलग है। यहाँ पर उसने ज़्यादा टाइम दिया, 15 सेकेंड जितना टाइम ज़्यादा गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब कभी भी, इस फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस, ये सभी घटना में हमारा जो रूम टेम्परेचर था वो 25 डिग्री सेल्सियस था, राइट? तो 100 और 25 में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, 80 और 25 में थोड़ा कम डिफरेंस है। तो जो भी टेम्परेचर, जो भी रेट ऑफ टेम्परेचर है, वो रेट ऑफ टेम्परेचर इस टेम्परेचर के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा, उतना हीट ट्रांसफ़र का जो रेट होगा वो भी ज़्यादा होगा, राइट? और जितना टेम्परेचर कम होगा, अभी मैं आगे 60 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस के लिए अगर फाइंड करूँ, तो वो यहाँ पर 60 सेकेंड्स लगा देगा। तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा, उतना ही वो और ठंडा होने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा। सो बेसिकली इसी पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो इसी के बेस पर से है कि जितना वो ठंडा होता जाएगा और फिर टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, उतना ही ठंडा होने के लिए और ज़्यादा टाइम लेगा, राइट? तो जितना जल्दी गर्म था 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो जल्दी जल्दी ठंडा हो गया। फिर यहाँ पर भी थोड़ा जल्दी ठंडा हो गया, फिर थोड़ी देर लगा रहे हैं, फिर वापस देर लगाएगा, और ज़्यादा टाइम लेगा। तो अगर इसको मैं फॉर्मुलेट करूँ, फॉर्मूला से अगर इसको डिफाइन करूँ, डिराइव करूँ, तो फॉर्मूला से अगर लिखे तो दैट इज डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के इज कॉन्स्टेंट टी टू माइनस टी वन। वॉट इज टी टू? टी टू इज टेम्परेचर ऑफ अवर मटीरियल एंड टी वन इज सराउंडिंग टेम्परेचर, राइट? जो भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, अगर उसकी मैं फॉर्मूला लिखूं, तो dQ इज इक्वल टू एम एस डी टी टू, मटीरियल का टेम्परेचर। तो उतनी हीट ट्रांसफ़र होगी, सो दिस इज़ द अमाउंट, राइट? ओके, अब यहाँ पर मैं इस फॉर्मूला को डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dQ बाई डी टी इज इक्वल टू एम एस डी टी टू अपॉन डी टी, राइट? dQ by dt is given here. Now putting this value here, so we have minus k t2 minus t1 is equal to ms dt2 upon dt. So as it is, अब t वाले टर्म एक साइड, बाकी सारे टर्म दूसरी साइड। तो t वाले टर्म इसको यहाँ पर ले गए, तो minus k upon ms into dt is equal to dt2 इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट है, सो माइनस के अपॉन एम एस इंटीग्रेशन डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी टू अपॉन टी टू माइनस टी वन, ओके। सो माइनस के अपॉन एम एस, इसका इंटीग्रेशन वन डी टी, वन डी टी मतलब टी, यहाँ पर इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होगा ln t2 माइनस t1, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t है और t वाली टर्म डाउनवर्ड में है,
तो इसका ये डिफरेंशिएशन होगा। अब एलन को अगर मुझे हटाना है, एलन को यहाँ पर हटाना है, बट उसके पहले जब कोई भी आप इंटीग्रेशन ले रहे हो तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट इज प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन का ये रूल है, जब कोई भी इंटीग्रेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी देर विल बी वन कांस्टेंट। अब यहाँ पर सी को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, इट इज़ कांस्टेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा सी माइनस माइनस के टी अपॉन एम एस इज इक्वल टू एल एन T2 - T1। अब राइट हैंड साइड से एल एन हटाओ तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा ई रेस टू माइनस कॉमन सी प्लस के टी अपॉन एम एस इज इक्वल टू T2 - T1। तो हम लोग T2 फाइंड कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज द टोटल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसको हमें रियली अगर डेमोन्स्ट्रेट करना है सो देर विल बी वन डिवाइस विच इज़ कॉल्ड कैलोरीमेट्री। सो कैलोरीमेट्री एक ऐसा डिवाइस है कि जिसमें कोई भी कभी भी हीट लॉस नहीं होता। तो अगर मैं उसको ड्रॉ करूँ यहाँ पर, सो कैलोरीमेट्री कुछ ऐसा होगा, उसकी कंटेनर कुछ ऐसी होगी और यहाँ पर एक होल होगा। तो कंटेनर में बेसिकली यस दिस इज वन कंटेनर एंड दिस इज अनदर कंटेनर एंड यहाँ पर जो भी मटेरियल होगा वो इंसुलेटर होगा। कौन सा इंसुलेटर? हीट इंसुलेटर। तो जैसे कि यहाँ से मैं टेम्परेचर को रख पाऊँगा, यस कोई बात नहीं। सो यहाँ पर नॉर्मल वाटर, यहाँ पर मैं थर्मोमीटर लगाऊँगा, उस थर्मोमीटर को एकदम कॉर्क से एकदम पैक कर लूँगा, तो ये मेरी थर्मोमीटर की स्केलिंग है। और यहाँ पर मेरा जो वाटर मटेरियल है, जो कोई भी मटेरियल है, उसको मैं फिर से यहाँ से एक कॉर्क से बंद करूँगा, बट एक्सटीरियर यहाँ से राउंड करके रखेंगे। तो बेसिकली फिर से यहाँ पर ये जो मटेरियल है वो एडियाबेटिक मटेरियल है, मतलब कि कोई भी हीट लॉस नहीं होने दे रहा, कोई भी हीट बाहर नहीं जाने वाली, ये कम्प्लीटली पैक हो चुका है यहाँ से। और यहाँ पर हमने इसको पैक करके यहाँ पर जो गर्म मटेरियल है वो रखेंगे, उसको कॉपर कंटेनर से पैक कर दिया, ये कॉपर है। और हमने जो यहाँ पर स्टीरर रखी है जिससे हम लोग उसको मिक्सअप करने वाले हैं, वो भी कॉपर मटेरियल की ही रखनी है कि जिससे पर्टिकुलर टेम्परेचर से हम लोग उसको फाइंड कर सके। और यहाँ पर भी मुझे एक और टेम्परेचर रखना पड़ेगा, एक और थर्मोमीटर यहाँ पर रखना पड़ेगा कि जिससे ये स्केलिंग होगी, कि जिससे हमें पता चले कि कौन सा टेम्परेचर कितना है, राइट? तो T2 इज अवर जो भी हॉटर बॉडी है जिसका टेम्परेचर, जिसका हीट ट्रांसफ़र हम फाइंड करने वाले हैं, क्योंकि T2 और T1 अगर हमारे पास होगा, टाइम अगर हमारे पास होगा, तो हम लोग हीट फाइंड कर पाएंगे। T1 इट इज़ द मटेरियल एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर वाला। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी हॉटर बॉडी रख सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, कोई भी हो सके। सो दैट इज़ अवर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और उसको जस्टिफाई करने के लिए ये हमारे पास डिवाइस है, दैट इज़ कॉल्ड कैलोरी मैट्री। कैलोरी मैट्री इसलिए कि यहाँ पर कहीं पर भी हीट लॉस नहीं होगा, जो भी हमें वैल्यू मिलेगी दैट इज़ परफेक्ट एक्यूरेट वैल्यू वी गेट। थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो सकती है, क्योंकि कोई भी डिवाइस 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग माई वीडियो लेक्चर्स टिल दी एंड, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल।